तो व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल। माई नेम इज़ दीपक एंड वेलकम टू योर चैनल दीपक 801। तो आज हम कुछ इस टाइप का एक गेमिंग लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। आप भी ऐसा गेमिंग लोगो बना पाओगे काफ़ी आसानी से, बस आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और हाँ, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे इंस्टाग्राम पर 1K फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पिक्सार्ट लैब ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको नीचे से फोर्थ ऑप्शन पर आना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से फिर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इन सभी PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली वहाँ से एक ही रिंग PNG को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इसके रिलेटिव साइड्स को 100 कर देना है। 100 करने के बाद आपको इसकी रिलेटिव पोजीशन को मिड में सेट कर देना है, एंड इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको फिर से इंपोर्ट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से एक ही कैरेक्टर PNG इसको भी ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इसके रिलेटिव साइज़ को 100 कर देना है, एंड जो इसकी रिलेटिव पोजीशन है उसको मिडल में सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको फिर से इंपोर्ट पर आना है, यानी कि 1/3 सर्कल है, आपको सिंपली इसे भी ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसकी भी रिलेटिव पोजीशन को 100 कर देना है, एंड इसके जो रिलेटिव साइज है उसको मिडल में सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको इसे भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको ऐड पर आना है, एंड न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिंपली जो भी आपके चैनल का नेम है आपको सिंपली उसे ऐड कर लेना है। तो मेरे चैनल का नेम है दीपक गेमिंग, तो मैं सिंपली वो ऐड कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप से आपको स्टार्टिंग में और एंड में एक स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद आपको सिंपली यहाँ से टेक्स्ट में आना है। इस फ़ॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। इस टाइप से आपको इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है उसको अराउंड 35% कर देंगे, एंड यहाँ से इसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देंगे अराउंड 13%। 13% करने के बाद आपको सिंपली से थोड़ा सा नीचे तब सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको उसे कर्व कर देना है अराउंड 45%। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद आपको सिंपली कलर्स वाले ऑप्शन पर आना है, एंड यहाँ से आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देना है अराउंड 32%। इतना करने के बाद आपको उसको रिलेटिव पोजीशन को मिडिल में सेट कर देना है, एंड यहाँ से पोजीशन पर आकर 1 सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है अराउंड इतना। इतना करने के बाद आपको इसे भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप से सेट करने के बाद आपको इन सभी लेयर्स को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है, एंड यहाँ पर आपको स्ट्रोक सेट कर देना है ब्लैक कलर में अराउंड 2%। इतना करने के बाद आपको इस साइड डन करना है, एंड यहाँ से फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको मिडिल में सेट कर देना है, और जो आपके फर्स्ट वाली लेयर है उसको भी मिडिल में सेट कर देना है। एंड उसके बाद आपको इन दोनों को फिर से मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, एंड फिर से स्ट्रोक ऐड करना है वाइट कलर में अराउंड 2%। 2% ऐड करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ से शैडो ऐड करनी है अराउंड ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में कुछ फिल कर देना है आप, 25% कर देना। इतना करने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, लेयर्स को बंद कर देना है, थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर देना है अराउंड इतना। इतना करने के बाद आपको इसे मिडिल में सेट कर देना है, एंड यहाँ से आपको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। एंड इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली से यहाँ पर ऐड कर देना है कुछ इस टाइप से। इस टाइप से ऐड करने के बाद आपको सिंपली इस सारी लेयर को उसके नीचे की तरफ सेट कर देना है, देन आप देखेंगे कि आपका लोगो क्रिएट हो चुका है। सिंपली आपको इन दोनों लेयर्स को लॉक करके यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना है।
तो आप देखेंगे कि आपका लोगो सेव होने लगा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।